गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, तो शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या होता है करंट। ठीक है, करंट के पीछे का रीजन क्या है? फ्लोइंग ऑफ चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस, और उस चार्जेस का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट। चलिए अब अपन देखते हैं क्या कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, मतलब घर में जो जो अपन चीजें यूज करते हैं उसके लिए एक सिंबल होता है, ठीक है, जिसको अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज करते हैं। ठीक है, हायर क्लासेस में आप सर्किट बनाना सीखोगे, ठीक है, क्लास ट्वेल्थ में, तो उसके लिए अपन सिंबल देख लेते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ऑन करने के लिए जो चीजें अपन यूज करते हैं उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, ताकि करंट फ्लो हो सके। चलिए, क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होता है? सेल, तो सेल के लिए अपन सिंबल क्या यूज करते हैं? ये प्लस माइनस का। ठीक है, याद रखिएगा, एक साइड बड़ा रहता है, एक साइड छोटा। ठीक है, प्लस वाला साइड बड़ा रहता है, माइनस वाला साइड छोटा। ठीक, ऐसा कुछ। ठीक, उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स, तो वायर्स के लिए, वायर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए, जैसे घर में यूज करते हैं। ठीक है, घर में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है, फ्लो होता है, जिसके कारण बल्ब है, कूलर है, फैन है, टीवी है, ये सब चलते हैं, तो उसी सब चीज को अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। ठीक है, उसमें से एक भी चीज को अगर हटा दिया जाए उसके बिना पॉसिबल नहीं है इक्विपमेंट्स का चलना। ठीक, तो वायर्स के लिए ज्वाइनिंग वायर्स, ये मतलब दो तीन वायर को अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ऐसा सिंपल, एक सिंगल वायर के लिए ऐसा। इलेक्ट्रिकल बल्ब, बल्ब का यूज होता है तो ये बल्ब का सिंबल। की, स्विच का भी यूज करते हैं, आपको पता है, तो स्विच यहाँ पे जो डायग्राम बने दूसरे तरीके का, कई सारे स्विच आते हैं घर में, जो स्विच रहता है व्हाइट कलर का टिकटॉक वाला, ठीक है, वैसी एक अप डाउन करने वाला भी स्विच जानते होंगे, एक बोरवेल्स में जो स्विच होता है उसको भी जानते होंगे। ठीक है, ग्रीन और रेड कलर का रहता है, उसको प्रेस करते हैं, तो अलग अलग तरह का स्विच हो सकता है डिजाइन। और स्विच यहां से दो तरह का, एक है ओपन और एक है क्लोज, ये है ओपन और ये है क्लोज, यहां से देख सकते हैं, क्लोज, ये देखिए क्लोज, एक डॉट रहता है और ये ओपन में डॉट नहीं रहता। ठीक, फिर यहां से बैटरी, तो बैटरी और सेल का लगभग सेम रहता है, बस इसमें जो नंबर ऑफ लाइन्स है वो ज्यादा रहते हैं। ठीक, दोनों का काम सेम है, वो एक तरह से सोर्स है, इलेक्ट्रिकल सोर्स जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, अब रेजिस्टर, रेजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है, जो अपोज करता है। मार्केट में आप रेजिस्टर लेने जाओगे, जो कि ये जैसे टीवी है, रेडियो है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें यूज होता है ये, ठीक है, रेजिस्टेंस, तो इसको रेजिस्टर बोलते हैं ना, तो रेजिस्टर ऐसा कुछ रहता है देखने में प्रैक्टिकली, और उसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा होता है। अभी आपको सिंबॉलिक फॉर्म को ही समझना है, ठीक है, क्योंकि बार बार इसी का यूज होगा। ये देखिए, एक सिंपल सा लाइन है, उसके बाद जिगजैग लाइन है ऐसा, ठीक है, और उसके बाद है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर आपको लैब में दिखाया जाएगा, जिसको रियस्टेट बोलते हैं, इसको रियस्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो रियस्टेट मतलब क्या? जिसमें रजिस्टेंस को अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक नोप रहता है जिससे अपन इसको स्लाइड करा सकते हैं। ठीक, और उसके लिए ऐसा यूज होता है सिंबल, मतलब इसमें भी जिगजैग रहेगा, उसके बाद एक एरो रहेगा। ठीक है, फिर अमीटर, अमीटर क्या चीज के लिए यूज करते हैं? करंट मेजर करने के लिए अमीटर का यूज करते हैं, ऐसा रहता है देखने में, लैब में अवेलेबल है ये भी। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब कनेक्ट करते हैं तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा रहता है। ठीक, इसके लिए ए का यूज करते हैं। फिर रहता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए अपन वी यूज करते हैं, और एक फ्यूज होता है। ठीक है, फ्यूज आप सभी लोग जानते होंगे, एक ऐसा टाइप से फ्यूज भी आता है और एक नॉर्मल फ्यूज, तो फ्यूज के लिए ऐसा टाइप का यूज करते हैं। ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको समझने से पहले अपन फील्ड के बारे में समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चलिए सबसे पहले जो जानते हैं उसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ के अराउंड, ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ठीक है, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड आप सभी लोग जानते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है?
इस फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो किधर अट्रैक्ट हो जाता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो यहां से जो फील्ड है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां जैसे मान लो कोई बॉडी को मैं रख दूं तो बॉडी ऑटोमेटिक मूव करते करते यहां आके चिपक जाएगा, किससे, अर्थ से। यहां भी रखूं तो भी यहां से आके अर्थ के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जिस जगह तक ये फिनोमिना होता है अट्रैक्शन वाला, उस फील्ड को अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब वो जगह जहां तक ग्रेविटी का इफेक्ट रहता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ऐसा नहीं कि अर्थ का जो ग्रेविटी का इफेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, उसका भी एक लिमिट है। आप एक पर्टिकुलर हाइट से ऊपर जाते हो तो उसके बाद अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो कम हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं और आगे जाओगे तो जीरो हो जाएगा। तो उस जगह को अपन क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेस, फ्री स्पेस, ठीक। अब उस स्पेस को अपन एक और नाम से जान सकते हैं, इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस अर्थ से। मतलब इस स्पेस में ये जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं रहेगा, और जहां पे वर्क करेगा वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड रहेगा, ठीक। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में होता है, ठीक है। ठीक इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी में जैसे एक चार्ज होता है, ठीक है, तो वो चार्ज अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे यहां अर्थ अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ऐसे यहां से चार्ज जो है अपने अराउंड क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें फोर्स लगाने का पावर होता है, ठीक है। इस फील्ड में अगर किसी दूसरे चार्ज को रख दिया जाए, जैसे मान लो ये एक चार्ज है, इस चार्ज को बोलते हैं सोर्स चार्ज। मतलब सोर्स चार्ज वो चार्ज होता है जिसके चलते फील्ड क्रिएट हुआ, ठीक। उसके बाद ये जो फील्ड है उसमें एक दूसरे चार्ज को रख दिया जाए जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज अलग है। सोर्स चार्ज जिसके चलते फील्ड क्रिएट हुआ है, और टेस्ट चार्ज जो उस फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो यहां से जो फील्ड है वो किसके चलते क्रिएट हुआ, इस चार्ज के चलते। अब इस चार्ज में अपने अराउंड फोर्स लगाने का प्रॉपर्टी होता है। अब इसका जो एग्जांपल है आपको देखने को मिलता है, जैसे आपने वो चीज देखा होगा, जैसे एक कॉम को आप अपने हेयर से रब करो, ठीक है। हेयर से रब करने के बाद उसको एक पेपर के छोटे से पीस के पास ले जाओ तो क्या करता है, वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो क्यों अट्रैक्ट कर लिया दूर से, तो वो चार्ज के चलते। मतलब जब अपन उस कॉम्ब को अपने हेयर से रब करते हैं तो वो क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला जो पेपर का पीस है ये पेन के साथ में क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है। ये देखिए ये जो है वो स्टिक हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो वैसा ही कुछ होता है, इसको आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। तो वो जो अट्रैक्शन हो किसके चलते हुआ, चार्ज के चलते। जब अपन इसको रब किए तो ये क्या हो गया, पेन जो है चार्ज हो गया, ठीक है, इसमें चार्ज हो गया, और चार्ज जो है अपने अराउंड क्या क्रिएट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया, वो जो पेपर का जो पीस था वो, ठीक। और फिर वो जो पेन है उसको क्या कर लिया, अट्रैक्ट। तो क्या है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है चार्ज में, ठीक। अब जो फील्ड के बाहर वाला एरिया उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट। मतलब इस चार्ज का इफेक्ट जहां पे नहीं रहेगा, जहां तक रहेगा उसको उसका फील्ड बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, क्लियर। चलिए अब आते हैं अपना जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। जैसे देखिए मान लो एक चार्ज है, ठीक है, अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, ये देखिए यहां तक इसका फील्ड है, इसको सोर्स चार्ज बोलेंगे। मान लो एक टेस्ट चार्ज है क्यू, ठीक, तो ये जो टेस्ट चार्ज वो कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। तो इस चार्ज को, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और ये जो सोर्स चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का। तो इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, देखो ये भी एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का ही, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी सभी जगह है ना, कोई भी एक पॉइंट ले लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में अपने को जितना भी वर्क करना पड़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। मतलब यहां से मान लो चार्ज था इनिशियली, फिर यहां पे लेके आ गए, ठीक है, यहां पे लेके आ गए, अब यहां तक लाने में मान लो अपने को 10 जूल का वर्क करना पड़ा,
वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हो, तो 10 जूल का वर्क करना पड़ा, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा 10 का, ठीक है। अब इसका यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है, वोल्ट, आई बात समझ में, जूल नहीं होता, जूल वर्क होते हैं। तो इसे इसका डेफिनेशन क्या हुआ, वर्क डन इन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लियर। तो समझ में आया, वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 20 जूल का वर्क करना पड़ता तो 20 वोल्ट हो जाता, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो पोटेंशियल तो समझ में आ गया, इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब ये मान लो चार्ज इनिशियली यहां पे है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है, ठीक है। अब ये पॉइंट ए है, यहां पॉइंट बी में लेके आते हैं उसी चार्ज को, तो यहां से यहां तक लाने में भी वर्क करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां से यहां तक लाने में मेरे को जितना भी वर्क करना पड़ा, मान लो 20 जूल का, तो 20 वोल्ट इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हुआ, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इनफाइनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट में लाने में जो वर्क डन है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है, आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी को कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।